1895 से लेके 1900 तक, 1895 से लेके 1900 तक जो एक्चुअल 5 साल जो मूवमेंट चला, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसे हम सबको समझने की जरूरत है कि बिरसा मुंडा जी उस समय में जस्ट 22-23 साल के थे। 22-23 साल के ये नवयुवक में जो उस समय में इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए थे, यानी आज के स्टैंडर्ड से वो हायर एजुकेशन ले चुके थे, उस समय का थर्ड या फोर्थ यानी आज का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, जिसको आप क्लास 12+3 या +3+2 कहते हैं, जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है। उस समय का जो थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड है वो आज का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो बिरसा मुंडा जी 23वें साल में उस समय के स्टैंडर्ड से हायर एजुकेशन ऑलरेडी ले चुके थे। बिरसा मुंडा जी का आंदोलन ये बेसिकली भिक्खुओं के खिलाफ था। कौन वो भिक्खु? वो भिक्खु जो आदिवासी कल्चर के नहीं है, जो इंडिजिनियस कल्चर के नहीं है, जो सालों साल कभी भी जो है जिन्होंने प्रकृति को नहीं माना, जिन्होंने मानवता को नहीं माना, जिन्होंने स्त्री पुरुष समानता को नहीं माना, जिन्होंने प्रकृति के विज्ञान को नहीं माना, लेकिन जो बाहर से आदिवासियों के जंगल में आदिवासियों की सभ्यता पर और आदिवासियों की संपत्ति पर जिनकी नजर थी, वो भिक्खु उसमें झारखंड में जो है बिरसा मुंडा जी के पीरियड में जो है वो आदिवासियों की संस्कृति और आदिवासियों की सभ्यता पर अतिक्रमण करना चाह रहे थे। बिरसा मुंडा जी का आंदोलन ये बेसिकली उन्हीं भिक्खुओं के खिलाफ था जो विदेश के अंग्रेज नहीं, वो भारत के ही तथाकथित त्रैवर्णिक कम्युनिटीज थी, जिन लोगों ने वर्ण और जाति के आधार पर इस देश में शोषण किया और अभी भी शोषण करना चाहते हैं। इनके खिलाफ बेसिकली बिरसा मुंडा जी का आंदोलन था, और इसलिए बिरसा मुंडा जी ने उस समय में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। क्या महत्वपूर्ण बात कही? कि यदि हमें अपनी जल जमीन जंगल को बचाना है, अपनी संस्कृति को यदि बचाना है, तो हमें लड़ने का रास्ता क्या चॉइस करना होगा, लड़ने का मार्ग क्या हमको अख्तियार करना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे लोग इस बात को मानते थे कि नहीं, यदि हम हथियार से लड़ ले तो ये हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बिरसा जी का विचार देखिए, बिरसा जी उस समय में 22-23 साल की उम्र में कह रहे हैं कि नहीं, हथियार से लड़ना ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, स्थायी समाधान नहीं है। हथियार से यदि हम लड़ेंगे तो हम अधिकतर लोग जेल चले जाएंगे, इससे स्थायी समाधान नहीं आएगा। तो स्थायी समाधान कैसे आएगा? तो स्थायी समाधान आएगा, बिरसा जी कहते हैं, स्थायी समाधान आएगा आदिवासी राज आदिवासी धम्म, आदिवासी राज आदिवासी धम्म, आदिवासियों के धम्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, सभ्यता के आधार पर जब आदिवासियों का राज बन जाएगा, चाहे वो मुंडा हो, संताल हो भूमिज हो, जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज है, और भी ट्राइबल कम्युनिटीज है, जब सब ट्राइबल कम्युनिटीज जो इंडिजिनियस पीपल है, जो इंडिजिनियस कल्चर जिनका हजारों साल से भारत में रहा, इस आदिवासी धम्म आदिवासी संस्कृति के आधार पर जब आदिवासियों का राज प्रस्थापित हो जाएगा, जब उनकी गवर्नमेंट और व्यवस्था प्रस्थापित हो जाएगी, तब इस चीज का स्थायी समाधान आएगा। ये बात अपने 22-23 साल की उम्र में आज से 1500 साल पहले लगभग जो है बिरसा मुंडा जी ने एक नया दर्शन, एक नया मार्ग जो है ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए दिया। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए बिरसा मुंडा जी का ये जो थॉट है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, वैसे तो हम जानते हैं कि इसके पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए, संतान विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, हम सब जानते हैं, भील विद्रोह हुआ राजस्थान गुजरात के बेल्ट में,
हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले इस देश में यदि कोई लड़ा है तो झांसी की रानी नहीं लड़ी, वो इस देश के आदिवासी लड़े, इसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। जिन लोगों को इतिहास नहीं मालूम उनको मैं इतिहास बताना चाहता हूँ। ये जो लोग शहरों में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो टेलीविजन को व्हाट्सएप को यूज करते हैं, जो जाकर कहीं कोई स्थल पर घंटी बजाते हैं और सोचते हैं कि हम तो ऊपर से पैदा हुए, किसी के मुंह से पैदा हुए, इस तरह की गलत हिस्ट्री जो लोग बताते हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैदों से इस देश की हिस्ट्री शुरू नहीं होती। इस देश की हिस्ट्री शुरू होती है आदिवासियों के कल्चर से शुरू होती है, और ये हिस्ट्री यहाँ के आदिवासियों ने 30-35 हजार साल पहले ही बना ली, उसके पहले बना ली, जो यहाँ हम खड़े हुए ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, ये ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर नागों का असुरों का मुंडा कल्चर, ये आज से नहीं है, ये 30 हजार साल पहले से जंगलों के अंदर गुफाओं के अंदर यहाँ के आदिवासी ने इंसानियत से कैसा जीना चाहिए ये विचार पूरे दुनिया को दिया। वो कोई वेदों से जो है वो विचार शुरू नहीं हुआ, वो हमारे आदिवासी के धम्म और आदिवासी की सभ्यता से ये विचार और जो है वो समाज की शुरुआत होती है। जो लोग समझते हैं कि आदिवासियों को समझ नहीं है, मैं जानता हूं कि गांधी जी भी उनको गिरिजन कहा करते थे, गांधी जी को भी ये मिसकंसेप्ट था कि शायद आदिवासियों को समझ नहीं है। दुनिया के बहुत सारे लोगों को जब अंग्रेज लोग भी ऑस्ट्रेलिया में गए, इंडिया में आए, न्यूजीलैंड में गए, जब कनाडा में गए यूरोप के लोग, तो तब भी उनको लगा कि ये तो जो है वो सावेज पीपल है, एबोरिजिनल्स है, लेकिन सावेज है, इनको समझ नहीं है। लेकिन आज दुनिया के अंदर पहली जो ट्रीटी हुई 1874 में, लगभग ट्रीटी ऑफ वैटांगी जिसको कहा जाता है, तो ट्रीटी ऑफ वैटांगी में यूरोप के लोगों को सबसे पहले न्यूजीलैंड में जब वो गए और माओरी ट्राइब्स के साथ जब उनका संपर्क आया, तो माओरी ट्राइब्स के साथ जब उनका संपर्क आया तो यूरोप के लोगों को ये मानना पड़ा कि नहीं, हम तो सिविलाइजेशन अभी 1000 साल पहले हमारा हुआ है, हमारा सिविलाइजेशन तो रोमन सिविलाइजेशन से शुरू होता है, ग्रीक सिविलाइजेशन से शुरू होता है। लेकिन न्यूजीलैंड के माओरियों का, ऑस्ट्रेलिया के झारवाओं का, या भारत के जो ट्राइब्स हैं, चाहे मुंडा है, संताल है, भूमिज है, हो है, गोंड है, ना जाने हलवई है, भील है, जो हमारे यहाँ सैकड़ों ट्राइब्स है भारत के अंदर में, उनका कल्चर तो 35,000-40,000 साल पहले जो है वो शुरू होता है। ये बात यूरोप के लोगों को जब वो ऑस्ट्रेलिया में गए तब उनको इस बात को मानना पड़ा कि हम बाद में सभ्य हुए, ये लोग तो पहले से ही सभ्य थे, इनको इस बात को उनको मानना पड़ा। जनरली ये मिसकंसेप्ट है कि इंसान को अकल अभी अभी आई है 10,000 साल पहले, जनरली ये मिसकंसेप्ट है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी ने और जेनेटिक साइंसेस ने इस भ्रम को भी तोड़ा। अभी जेनेटिक साइंसेस और एंथ्रोपोलॉजी इस बात को मान चुका है कि 60,000 साल पहले इंसान ने बोर्ड बनाया, 60,000 साल पहले इंसान ने बोर्ड बनाया, 1 लाख साल पहले, 1.25 लाख साल पहले जो है वो भाषा विदाउट ग्रामर, ऑफकोर्स लैंग्वेज विदाउट ग्रामर का डेवलपमेंट किया, 40-45 हजार साल पहले केव्स में जो है वो पेंटिंग बनाई, 18,000 साल पहले पहला घर बनाया, 12,000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई। जनरली लोगों को ये समझ थी कि इंसान को अकल अभी अभी आई है 5,000 साल पहले, लेकिन आर्कियोलॉजी ने और जेनेटिक साइंसेस ने इस भ्रम को तोड़ा और पूरे ऑस्ट्रेलिया में, पूरे यूरोप में, पूरे अफ्रीका में और ऑफकोर्स भारत में जितने साइट्स मिले हैं, ये साइट्स अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये सारे के सारे जो साइट्स हैं वो आदिवासियों के साइट हैं, वो कई शहरों के लोगों के साइट्स नहीं है। यानी ये बात प्रूव होती है कि 1.25 लाख साल पहले, जिसको जनरली होमो सेपियंस सेपियंस का इवोल्यूशन कहा जाता है, या 70,000 साल पहले जिसको साइंस की भाषा में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहा जाता है, तो ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन
जहां इंसान प्रकट हुआ चिंपैंजी से आगे, तो वो पहला प्रकट इंसान ये शहर और गांव का इंसान नहीं, वो जंगलों में रहने वाला, गुफाओं में रहने वाला आदिवासी है। इस बात को हमें सबको गौरवान्वित होना चाहिए और ये बात को जो है हमें बड़े पैमाने पर बताने की जरूरत है। तो साथियों, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखते हैं, इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं, तो सारा का सारा जो भारत है, ये जो भारत है, ये भारत इसका नाम नहीं था। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान है, मैं कहता हूँ यार हिंदुस्तान कब हो गया, कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, आप मुझे बताओ। ये तो हिंदू वर्ल्ड ही, जब इस्लामिक लोग यहाँ आए इंडिया में, तब हिंदू वर्ल्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ, तो ये हिंदुस्तान कैसा हो गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भारत ना कभी हिंदुस्तान था ना कभी हिंदुस्तान बनेगा। यदि ये कुछ था तो ये आदिवासी स्थान था, मूल निवासी स्थान था, नाग स्थान था, और ये वही रहेगा और ये वही बनेगा। इस बात को हमें ध्यान में लेने की जरूरत है। इंडिया वॉज नेवर अ हिंदू कंट्री, इट विल नेवर बी अ हिंदू कंट्री, इट वॉज ऑल्सो ऑलवेज अ ट्राइबल कंट्री, अ नागा कंट्री, एंड इट विल रिमेन सो वॉट्स एवर यू से एफर्ट्स द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज माइट बी डूइंग। तो साथियों, ये हमारी हिस्ट्री और कल्चर का संदर्भ है, और ऐसी महान सभ्यता, ऐसा महान धम्म हम आदिवासी लोगों ने बनाया। और जब भारत के अंदर भारत आजाद हो रहा था, गांधी जी कह रहे थे क्विट इंडिया, गांधी जी कह रहे थे क्विट इंडिया, बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे न्यू इंडिया। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे न्यू इंडिया, क्यों न्यू इंडिया, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि अगर केवल अंग्रेज भारत से चले गए तो फिर भारत की तमाम समस्या हम कांग्रेस के लोग या हम गांधी वांधी लोग जो है वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को ये बात मालूम थी कि अंग्रेज तो आज नहीं कल चले जाएंगे, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान अंग्रेजों के साम्राज्य को हो गया है, जर्मनी के साम्राज्य को हुआ, जापान के साम्राज्य को हुआ। कोई कंट्री जो है वो दूसरे देश पर रूल नहीं कर पाएगी। भारत तो आजाद हो जाएगा, लेकिन ये आजाद भारत में एससी एसटी ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, जो इस देश के एससी एसटी है, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स है, जो ओबीसी है, जो माइनॉरिटीज है, उनके लिए किस तरह का सेटलमेंट होना चाहिए, इस बात के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर को अंदेशा था। बाबा साहब अम्बेडकर को ये बात मालूम थी कि भारत में लोकतंत्र भले ट्राइबल रिपब्लिक में था, पर वो पूरे देश में लोकतंत्र नहीं आया। बाबा साहब अम्बेडकर को ये मालूम था कि भारत के अंदर अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना जिसमें ये तमाम राइट्स और सेफगार्ड्स को गारंटी किए जा सके। तो उस समय जब भारत आजाद हो रहा था और भारत का संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारे फिर ट्राइबल कम्युनिटी के, मुंडा कम्युनिटी के एक ग्रेट लीडर थे, उनका नाम था जयपाल सिंह, जो बिरसा मुंडा जी के आंदोलन से एक नए जनरेशन ऑफ लीडरशिप तैयार हुई, एक नया जनरेशन लीडरशिप का प्रोडक्ट जो तैयार हुआ, उनका नाम था जयपाल सिंह जी। जयपाल सिंह जी जो गोल्ड मेडल की हॉकी की टीम थी उस समय की, उसके भी एक बड़े मेंबर थे। तो जयपाल सिंह जी ने संविधान सभा के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मुझे खुशी है इस बात की, जब हम संविधान सभा के डिबेट्स पढ़ते हैं तो पहली बार ये कहने वाले कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी को हिंदू बनाना यानी आदिवासी को गैर आदिवासी बनाना है, उसकी सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करना है, उसकी संपत्ति को काबिज करना है, ये कहने वाले भारत के मॉडर्न इतिहास में पहले अगर ग्रेट लीडर है तो वो बिरसा मुंडा जी के बाद में जो है वो जयपाल सिंह है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। जयपाल सिंह ही वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमको एबोरिजिनल राइट्स मिलने चाहिए। जयपाल सिंह ही वो है जिन्होंने कहा कि आदिवासी ये सबसे पहले यहाँ का मूल निवासी है, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासियों की भाषा ये सबसे ज्यादा प्रगत है। लोग कहते हैं कि संस्कृत सबसे प्रगत भाषा है, अरे कितना झूठ बोलोगे यार, आपका झूठ इंडिया में भी नहीं चलता है, वर्ल्ड में भी नहीं चलता है, फिर भी बोले जा रहे हैं कि संस्कृत जो है वो सबसे ओल्ड है, संस्कृत सबसे ओल्ड है, संस्कृत सबसे अच्छी है। अरे यार कुछ तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि पर शर्म करो, तर्स करो। अगर संतानी नहीं होती, मुंडारी नहीं होती, तो संस्कृत का जन्म नहीं होता इंडिया के अंदर में। इस बात को समझने की जरूरत है, कहाँ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो।
सारा आदिवासियों से उधार लिया और कहते हम ही ग्रेट है, हम ही एरियल और एंटीना रख के ग्रेट है, हम ही घंटी बजा के ग्रेट है। कितना झूठ बोलोगे? विजय मानकर आपका झूठ इस देश में चलने नहीं देगा, आपको नेकेट कर देगा इंडिया के अंदर में ब्राह्मणिकल कल्चर। तो इसलिए जो है जयपाल सिंह जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने संविधान सभा में ये डिबेट्स किए, ये आर्गूमेंट किए। और मुझे खुशी है इस बात की कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में जो पांचवीं और छठवीं अनुसूची को संविधान में इंकॉर्पोरेट किया उसमें जयपाल सिंह जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और जयपाल सिंह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को पांचवीं और छठवीं अनुसूची को संविधान में इंकॉर्पोरेट करने के लिए बार बार धन्यवाद दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर थे इसलिए हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट सेफगार्ड हो सके। ये हिस्ट्री को कल्चर को हमें समझने की जरूरत है। मैं फिर आदिवासियों को पर्टिकुलरली झारखंड और बंगाल का जो बेल्ट है लगते वहाँ के ट्राइब्स को इसलिए मैं फिर धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब नेहरू जी ने, पटेल ने और गांधी जी ने जब ये बात कही थी कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में चुनकर नहीं जाने देंगे क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में चुन कर गए तो बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले ट्राइबल्स राइट्स को सेफगार्ड करेंगे, शेड्यूल कास्ट के राइट्स को सेफगार्ड करेंगे, ओबीसी के राइट्स को सेफगार्ड करेंगे और माइनॉरिटीज के अधिकारों को भी सेफगार्ड करेंगे। तो इसलिए पटेल जी ने और नेहरू जी ने और गांधी जी भी इनडायरेक्टली बहुत बड़े महात्मा थे लेकिन बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे। एक प्रोफेसर जॉर्ज है उन्होंने कहा कि गांधी इज अ वन थर्ड महात्मा, वन थर्ड पॉलिटिशियन एंड वन थर्ड हम्बग। गांधी इज अ वन थर्ड महात्मा, वन थर्ड पॉलिटिशियन एंड वन थर्ड हम्बग। हम्बग का मतलब होता है कचरा, यानी गांधी जी एक तिहाई तो महात्मा थे, एक तिहाई पॉलिटिशियन थे और एक तिहाई गांधी जी कचरा थे, ऐसा जो है प्रोफेसर जॉर्ज ने कहा। मैं प्रोफेसर जॉर्ज को कोट कर रहा हूँ। तो गांधी जी भी दिल से ये नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में जाएं। उस समय में देश के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति जो दुनिया में दुनिया भर का अध्ययन करके आए एक ही इंसान थे देश में जिनको ये मालूम था कि बहुजनों का उद्धार कैसे हो सकता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेफगार्ड होने चाहिए, भारत के लिए लोकतांत्रिक संविधान कैसे बनाया जा सकता है, एक नए भारत का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है कैसे बनाया जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर अकेले उस समय में ऐसे महान विद्वान थे जिन्हें ये बात मालूम थी। लेकिन उस समय में जो ब्राह्मणवादी लोग थे, जो कांग्रेस के लोग थे और आरएसएस के और हिंदू महासभा के लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में जाए। लेकिन उस समय के शेड्यूल कास्ट लोगों ने ये निर्धार किया, बंगाल के जो हमारे नामोशुद्रा कम्युनिटी है उन्होंने ये निर्धार किया कि चाहे जो भी हो जाए हम बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में जिता कर भेजेंगे और यदि महाराष्ट्र से वो नहीं हो सकता तो हम बंगाल से करेंगे। ऐसा जो प्रण जो है अब बंगाल के नामोशुद्रा जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उन्होंने ऐसा प्रण किया। लेकिन अगर मैं उस वोटिंग को देखता हूँ, उस हिस्ट्री को देखता हूँ संविधान सभा में बाबा साहब कैसे चुन कर गए, तो फिर मुझे फिर आदिवासियों को इसलिए धन्यवाद देना जरूरी मैं समझता हूँ कि उन सात वोटों में एक वोट वीर बिरसा का था और ये वीर बिरसा फिर आदिवासी थे, फिर झारखंड के कम्युनिटी के थे, बंगाल झारखंड का जो बेल्ट है वहां से थे। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में पहुंचाने के लिए फिर ट्राइबल लोगों ने सबसे बड़ा रोल जो है वो निभाया। जयपाल सिंह जी ने बाबा साहब को सबसे ज्यादा मॉरल सपोर्ट संविधान सभा में दिया, इसलिए आदिवासी समाज था और बाबा साहब अम्बेडकर थे इसलिए भारत में लोकतंत्र आया और संविधान आया। ये गांधी जी और कांग्रेस के वजह से संविधान और लोकतंत्र भारत में नहीं आए, इस बात को हमें समझने की जरूरत है और अब ये हिस्ट्री बताना पड़ेगा। तो साथियों ये हिस्ट्री और कल्चर तो हम बहुत दिनों से मैं समझता हूँ सुन रहे हैं और समझने की जरूरत है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद इंडिया के अंदर और दुनिया के अंदर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। क्या डेवलपमेंट हुआ इंडिया के अंदर? ये डेवलपमेंट हुआ कि इस देश का कल्चर, इस देश की सभ्यता बनाई, जो नागवंशी है, जो असुर है, जो आदिवासी है, जो यहाँ के दलित है, जो ओबीसी है या उसमें से जो धर्मांतरित माइनॉरिटीज है, उन लोगों ने भारत की सभ्यता को बनाया।
लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद ब्राह्मणी के लोगों की गवर्नमेंट आ गई। पहले कांग्रेस के माध्यम से आई, अब बीजेपी के माध्यम से वो गवर्नमेंट बनी हुई है। तो लेकिन दुनिया में क्या डेवलपमेंट हुआ? दुनिया में 1948 में जब पहला मानव अधिकारों का संविधान बना दुनिया के मानवों के लिए, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बाद जब 1966 में जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स पूरे दुनिया के देशों ने जो माना कि नहीं, जो दुनिया में अब भेदभाव रहा, चाहे काले गोरे का भेदभाव रहा हो, चाहे गांव शहरों वालों ने आदिवासियों के साथ भेदभाव किया हो, चाहे पुरुषों ने महिलाओं के साथ भेदभाव किया हो, चाहे कोई एक धर्म के नाम पर किसी ने किसी को अस्पृश्य बोलकर भेदभाव किया हो या शूद्र बोलकर भेदभाव किया हो या अमीर ने गरीब के साथ भेदभाव किया हो, अब ये भेदभाव को हमको दुनिया से समाप्त करना है। और इसके लिए पहली बार इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स 1966 में डिक्लेयर हुआ। उसके कुछ सालों पहले 1957 में जिसको हम 107th आयलो कन्वेंशन कहते हैं, पहली बार आदिवासियों के जो राइट्स क्या होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स में, ये 57 में उसका पहला ब्लूप्रिंट आया कि नहीं आदिवासियों के मिनिमम ये राइट्स होने चाहिए। उसका दूसरा एडवांस वर्शन आया जिसको हम कहते हैं आयलो कन्वेंशन 169 जो 1989 में आया। और उसके बाद दो डिक्लेरेशन संयुक्त राष्ट्र ने किए, एक 1994 में किया, एक 2007 में किया, जिसको कहा जाता है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल 2007। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून मानव अधिकारों का जो इंटरनेशनल लॉ है, जो ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ है, उसमें आदिवासियों के मूल निवासियों के जो एडवांस जनरेशन ऑफ राइट्स है, जिसको हम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के आगे जाकर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स कहते हैं, जिसको हम कलेक्टिव राइट्स कहते हैं, वो राइट्स संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों में माने। लेकिन भारत के अंदर भारत की सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 1957 का जो हमने ट्राइबल का कन्वेंशन को साइन किया, लेकिन भारत की जो ब्राह्मणिकल गवर्नमेंट है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आदिवासियों के एडवांस राइट्स को गारंटी करना चाहिए। और उन्होंने जो 169 कन्वेंशन है आयलो का, उस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए, उसको रेटिफाई नहीं किया। ये एक महत्वपूर्ण इशू है जिसको हमें समझने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद 1996 में पैसा लॉ बना, जिसके विषय में मुर्मू जी आपको ब्रीफ कर रहे थे, जिसको पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 बोला जाता है। उसके आधार पर कुछ राज्यों ने स्टेट्स में लॉ बनाया। उसके बाद में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया 2006 में। ये दो बड़े महत्वपूर्ण लॉ है, पेसा लॉ एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये दो बड़े महत्वपूर्ण एक्ट आए भारत के अंदर, जिसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आदिवासियों की ग्राम सभा ने इस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। भले ही उसमें कुछ वीकनेसेस हो सकती है दोनों में, लेकिन प्रेजेंट शेप एंड फॉर्म में जो ये दो लॉ है, पेसा 1996 एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, इस पर हमें बड़े पैमाने पर ध्यान देने की जरूरत है। क्यों ध्यान देने की जरूरत है और इस सीक्रेट को आप समझिए? ये सीक्रेट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं भारत के आदिवासियों को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं भी आदिवासी पहले के पीढ़ी में रहा हूँ, ये बात मुझे जो है मालूम है। और मैं नाग असुर कल्चर को मानता हूँ, श्रवण धम्म और सभ्यता को मानता हूँ, इसलिए ये सीक्रेट मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूँ। ये लोग जिस भी गवर्नमेंट की हो, कांग्रेस बीजेपी के लोग हो, आरएसएस के लोग हो या उनकी सिस्टर संस्थाओं के लोग हो, वो नहीं चाहते कि आदिवासियों का फिफ्थ शेड्यूल, पांचवी अनुसूची, छठवीं अनुसूची और पेसा कानून और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पूरी तरह इंप्लीमेंट हो। क्यों नहीं चाहते कि वो तमाम इंप्लीमेंट हो? वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि भारत के जो ट्राइबल बेल्ट है, जिसको मैं मूल निवासी बेल्ट कहता हूँ, इंडिजिनियस बेल्ट ऑफ इंडिया कहता हूँ, उस इंडिजिनियस बेल्ट में हम खड़े हैं। ये इंडिजिनियस बेल्ट चालू होता है झारखंड बंगाल से, झारखंड बंगाल उड़ीसा,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, ये भारत का मूल निवासी बेल्ट है। ये भारत के मूल निवासी बेल्ट में भारत के 100 आदिवासियों में 70% आदिवासी इस मूल निवासी बेल्ट में रहते हैं। यही वो बेल्ट है जहां भारत के 70% आदिवासी रहते हैं। भारत में जो 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन अभी है, जो 10.5 करोड़ लगभग आदिवासियों की जनसंख्या आज जो है शेड्यूल ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है, उसमें 70% जो ट्राइबल है वो इस ट्राइबल हार्टलैंड में, इंडिजिनियस बेल्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं। और इस बेल्ट में भारत की सबसे ज्यादा नेचुरल वेल्थ है। इस बेल्ट में भारत की सबसे ज्यादा नेचुरल बेल्ट है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखो कि अंबानी सबसे अमीर नहीं, देश का आदिवासी सबसे अमीर है। अंबानी सबसे अमीर नहीं, आदिवासी सबसे अमीर है। भले ही आपको आज लगता होगा, मानकर सर हमको बता रहे हैं ये बात सही है या सही नहीं है, हमारी तो गरीबी है, हमारा तो प्रॉब्लम है, हमको तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे गांव में रोड नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हमारी कंपनी नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि कहीं मानकर सर हमको खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे, झारखंड में आ गए। लेकिन भारत की जो नेचुरल संपत्ति है, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल वेल्थ ऑफ इंडिया। भारत की नेचुरल वेल्थ 1410 लाख करोड़ रुपया है। कितना है? 1410 लाख करोड़ रुपया। आप बाद में गिनती लगा लेना, और गिनती नहीं आएगी तो मुरू जी को पूछ लेना, आप लोग सब मिलकर गिनती लगा लेना। 1410 लाख करोड़ रुपीज। Now you can understand from a very simple perspective. What is the perspective? एक perspective है जिससे आपको समझ में आएगा कि amount कितना होता है। कि भारत के अंदर आज जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है, जिसको GDP बोला जाता है, वो अभी जो नया डेटा आएगा 160 लाख करोड़ होगा। 160 लाख करोड़ होगा अभी नया डेटा आएगा। 31 दिसंबर को नया डेटा आएगा, 1.5 महीना बाकी है। 160 लाख करोड़ केवल भारत का GDP होगा। लेकिन भारत के आदिवासी बेल्ट में इस 1410 लाख करोड़ की 70% जो संपत्ति है वो आदिवासियों के 94 डिस्ट्रिक्ट। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 94 डिस्ट्रिक्ट में। और ये तमाम जो 94 डिस्ट्रिक्ट है जहां भारत की माइंस है, जो ये खनिज संपदा है, वो तमाम के तमाम आदिवासियों के डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, शेड्यूल्ड एरियाज है। तो ये बात तो मैं बार बार बोलते रहूंगा। और अब इस काम के लिए मेरे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दिया। 2007 में जब राजनांदगांव में, छत्तीसगढ़ में, हमने बिरसा मुंडा जी की जयंती को जब हमने आयोजित किया, और ये मूल निवासी अधिकार दिवस को जब हमने डिक्लेयर किया, उस साल से 2007 से मैं ये कहते आ रहा हूं कि भाई ये जो 1410 लाख करोड़ की जो संपत्ति है, जिसमें कि 70% संपत्ति यानी 1000 लाख करोड़ रुपया आदिवासी के जमीन में है, आप कहीं माइंस खोलते हो, कहीं कंपनी खोलते हो, कहीं कोई प्रोजेक्ट लाते हो, आदिवासी को विस्थापित कर देते हो। 8 करोड़ जो आदिवासी पॉपुलेशन थी पहले, या 10 करोड़ जो हम कहते हैं, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी अब तक विस्थापित किए जा चुके हैं इस देश के अंदर। 1 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल्स को उनके एंसेस्ट्रल डोमेन से विस्थापित किया जा चुका है। यानी आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, आपको कंपनी चाहिए, माइन चाहिए, तो सबसे पहले आप ट्राइबल लैंड लेते हो। आप ट्राइब की लैंड लेते हो, उसको ठीक से लैंड के एवज में लैंड भी नहीं देते हो। आप मार्केट वैल्यू से उसको पैसा नहीं देते हो। आप जो है उसको घर बनाकर देते हो तो ऐसे छोटा मोटा घर बनाकर देते हो, और अगर नौकरी देते हो तो आप वर्किंग क्लास में, लेबर क्लास में उसको देते हो, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट में नहीं देते हो। तो मैं 2007 से और उसके आगे से ये बात कहते आया हूं कि अगर आपको आदिवासी के जमीन लेना हो, और अगर ग्राम सभा परमिट करती है, कौन परमिट करती है? ग्राम सभा के बगैर, परमिशन के बगैर आदिवासियों के लैंड में
कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लग सकता। ये पैसा लॉ का कानून है कि जब तक ग्राम सभा उसको साइन नहीं करेगी, अनुमति नहीं देगी, वहां भारत सरकार भी अपना प्रोजेक्ट लगा नहीं सकती। ये पैसा का कानून है जिसको अब इंप्लीमेंट करने का समय आया है। तो यदि आप ये एरिया में अगर आप ये करना चाहते हो, अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, तो कोई हर्ज नहीं। अगर आदिवासी की ग्राम सभा आपको अगर अनुमति देती है तो वो लगाओ, लेकिन अब ये इतना काफी नहीं है। आपको जमीन के एवज में जमीन तो देना पड़ेगा, आपको घर के एवज में घर तो बनाकर देना पड़ेगा, आपको जमीन का कीमत तो देनी पड़ेगी, आपको नौकरी में मिडिल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट में उसको लेना पड़ेगा। अगर आदिवासी परिवार में बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष है तो उनको पेंशन भी देना पड़ेगा, लेकिन इतना काफी नहीं है। तो क्या करना होगा? ये करना होगा कि इसके अलावा वो जमीन जो आदिवासियों की जमीन है, जो हजारों साल से उसने सुरक्षित रखी, उस जमीन से अगर आपको मिनरल निकालना है तो आदिवासियों को उस माइन और कंपनी का 20-25% शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा। उसको जब तक आप शेयर होल्डर नहीं बनाएंगे तो तब तक वो कंपनी का प्रॉफिट उसके पास नहीं आएगा, वो कंपनी को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ये बात जब मैं 2007-08 से बोलते रहा तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने 2013 की स्पेशल रिपोर्ट में इसको माना कि नहीं, ट्राइबल्स लोगों को स्वीट इक्विटीज दी जानी चाहिए। लेकिन जैसे ट्राइबल कमीशन ने 2013 में रिकमेंडेशन दिया, उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में गवर्नमेंट चेंज हो गई, एक गवर्नमेंट गई, दूसरी गवर्नमेंट आई, पहले वाली गवर्नमेंट ने इसको लागू नहीं किया, दूसरी गवर्नमेंट जो बीजेपी की आई उन्होंने ये सोचा, ये धीकुओं की सरकार ने सोचा, क्या सोचा धीकुओं की सरकार ने, ये धीकुओं की सरकार ने सोचा कि यदि हम आदिवासी को शेयर होल्डर बना देते हैं तो फिर ये मित्तल अग्रवाल हमारे कंपनी का क्या होगा, ये अंबानी के कंपनी का क्या होगा, अरे आदिवासी मालिक बन जाएगा। तो उन्होंने 2015 में एक अमेंडमेंट कर, क्या अमेंडमेंट किया, जिसको हम कहते हैं MMDRA एक्ट 1957, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, उसमें एक अमेंडमेंट कर दिया, क्योंकि वो आदिवासी को डायरेक्ट शेयर होल्डर नहीं बनाना चाहते थे, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट करके जिले में DMF बना दिया। DMF उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, DMF, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। आप लोगों में से जो MS के ऑर्गेनाइजर कैडर नहीं है, कितने लोगों को मालूम है कि आपके जिलों में DMF खुला या नहीं, जरा हाथ उठाए। कितने लोगों को ये मालूम है कि DMF खुला है या नहीं, आपके जिलों में हाथ उठाइए, MS के ऑर्गेनाइजर कैडर्स को छोड़कर नहीं मालूम। हमारी समस्या क्या है, मैं बार बार कहता हूं, हमारी समस्या क्या है, हम बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारी समस्या क्या है, हमारी समस्या ये है, क्या हमारी समस्या है, हमारी समस्या ये है कि हमें यही नहीं मालूम कि हमारी समस्या क्या है, हमारी समस्या क्या है, हमारी समस्या ये है कि हमें यही नहीं मालूम कि हमारी समस्या क्या है। तो ये बात जो है हमें नहीं मालूम रहने के वजह से हमारा वायलेशन हो रहा है। अभी अगर आप झारखंड के तमाम डिस्ट्रिक्ट के DMF को देखोगे तो आप पाओगे कि एक एक DMF में 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ रुपया DMF में डाला गया, क्योंकि ये लॉ है कि कोई भी कंपनी, कोई भी लाइसेंस होल्डर, अगर उसको लाइसेंस मिला है कंपनी को खनिज निकालने का, तो जितना वो रॉयल्टी दे रही है उतना ही पैसा उसको DMF में देना चाहिए। यानी 100 करोड़ रुपए का अगर उसने खनिज निकाला तो 33 करोड़ रुपया जितना अगर वो रॉयल्टी दे रही है, मान लीजिए अगर रॉयल्टी 10 करोड़ है तो 10 करोड़ रुपया उसको DMF में डाला है। और ये DMF के पैसे से जो माइनिंग अफेक्टेड एरिया है, जो माइनिंग अफेक्टेड एरिया है, उस पर सबसे पहले जो है वो काम होना चाहिए, वहां के लोगों का डेवलपमेंट सबसे पहले होना चाहिए।
तो देश के अंदर जहां माइंस है वहां आदिवासी है, जहां आदिवासी है तो ये डीएमएफ के पैसे पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। लेकिन हम लोगों ने इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरा, ट्राइबल सप्लान। मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने पिछले साल 15 अगस्त 2016 को भारत की एक बहुत बड़ी मास्टर पिटिशन किया, मास्टर चार्टर किया, और बाबा साहब अंबेडकर के बाद पहली बार ऐसे हुआ कि 30 करोड़ लोगों की पिटिशन, ये प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट ने भी एक्सेप्ट की, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने भी एक्सेप्ट की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी एक्सेप्ट किया और पार्लियामेंट ने भी एक्सेप्ट किया। और इसका क्या नतीजा हुआ? इसका ये नतीजा हुआ कि आज 22,500 करोड़ रुपया एससी एसटी सप्लान में ज्यादा मिला पिछले साल के मुकाबले में। और मैं अभी आपको डिक्लेयर कर रहा हूं, ये काम मैंने चालू कर दिया कि आने वाला बजट जो 1 जनवरी में आएगा उसमें फिर 20-25 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मैं एससी एसटी के लिए ट्राइबल सब प्लान में और शेड्यूल कास्ट सब प्लान में मिला रहा हूं। मैं ओबीसी के लिए सब हेड बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो ओबीसी का हेड ही नहीं है बजट में। ओबीसी 45% आबादी, लेकिन उसके लिए बजट में सेपरेट प्लान ही नहीं। 1.5-2 हजार करोड़ रुपया केवल दिया ओबीसी को। अरे 1.5-2 हजार करोड़ रुपया क्या होता? 87 हजार करोड़ रुपया तो एससी एसटी सब प्लान में मिला है। एससी एसटी की पॉपुलेशन 25.2% है, ओबीसी की पॉपुलेशन 45% है। ओबीसी के लिए 1.5-2 हजार करोड़ भी नहीं दिया, माइनॉरिटीज को 1.5 हजार करोड़ नहीं दिया। तो ये देश के अंदर में जो बजट बनाने में जो इकोनॉमिक राइट्स का, आर्थिक अधिकारों का जो वायलेशन हो रहा है, तो मैं ओबीसी के लिए अभी बजट में अलग से हेड बनाने के लिए मैंने शुरुआत कर दी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले साल दो साल में चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो या और कोई गवर्नमेंट हो, उसको मैं बाइंड कर दूंगा, उसको मजबूर कर दूंगा और वो घुटने पर टेक कर जो है ओबीसी का सब प्लान इस देश में बनाएगा। ये मैं एक मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहते हुए भी कह रहा हूं, क्योंकि विजय मानकर को आज देश में मानव अधिकारों का और संविधान का सबसे ज्यादा नॉलेज है, वो अंबेडकरिज्म पर अथॉरिटी है। देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी फर्स्ट और सेकंड नंबर की, वो मेरी है और मैं एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ, इसलिए ये काम मैं कर सकता हूँ। मुझे मालूम है कि भारत को चेंज कैसे किया जाए। तो मैं ओबीसी का सब प्लान बनाऊंगा, शायद हो सकता है इसके लिए 1-2 साल और लगे। ओबीसी के साथियों ने बिल्कुल जो है वो उससे इंपेशेंट नहीं होना है। मैंने माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इनके लिए मैंने ऑलरेडी 15 अगस्त को एक पिटिशन कर दिया है, जिसमें मैंने लगभग जो है 70-80 बड़े जो राइट्स है उसका मैंने उसमें अफर्मेशन किया है और इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। और मुझे उम्मीद है कि माइनॉरिटी की भी हालत इस देश में सुधरेगी और सुधरने की शुरुआत होगी, और अगर जैसे जैसे वो सुधरेगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जिस दिन भी बड़े पैमाने पर सुधरना चालू हो जाए तो मान लेना कि मानकर सर की वजह से, एपीआई की वजह से ये होना शुरू हुआ देश के। तो मैं ओबीसी का सब प्लान बनाऊंगा, मैं माइनॉरिटीज राइट को सुरक्षित कराऊंगा, और एससी एसटी की तो लॉटरी लग गई है समाज में। क्यों लॉटरी लग गई है? क्योंकि 22,500 करोड़ रुपया ज्यादा मैंने पिछले साल मिलाया, अब और 25-30 हजार करोड़ में ज्यादा मिलाऊंगा और देश की प्राइवेट कंपनी को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया है? प्राइवेट कंपनी। ये जो प्राइवेट कंपनी बोलती है कि हम आदिवासियों की जमीन लेंगे, हम उसका जंगल लेंगे, हम उसका पानी लेंगे, हम उसका मिनरल लेंगे, हम बजट से टैक्स की छूट भी लेंगे, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं देंगे, हम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं देंगे, हम एससी एसटी को ओबीसी को नौकरी में नहीं आने देंगे, हम उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनको प्रमोशन नहीं देंगे, उनको हम लोग फॉरेन टूर पर नहीं भेजेंगे। और अगर एससी एसटी की, ओबीसी की छोटी मोटी भी कंपनी हो तो उनके साथ हम बिजनेस नहीं करेंगे, ये प्राइवेट सेक्टर कहती है। तो ये फिक्की CII और असोचैम के लोगों को कह रहा हूं, और नीतीश कुमार जी सुन लो, बाहर पड़ोस में बिहार में आप हो, और बिहार के लोग, मुर्मू जी ने कहा कि झारखंड तो बिहार से अलग हुआ लेकिन
अब तक बिहार से झारखंड मुक्त नहीं हुआ, ये बात उन्होंने कहा। तो इसके पीछे कुछ बात है, वो बताएंगे, आप समझ लेना कि बाहर के भीखू आके अभी तक झारखंड को परेशान कर रहे हैं, वो बताएंगे आपको अच्छे से, वो बताते रहते हैं और बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी सुनो, अभी आप आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में देने की बात कर रहे हो, जरा मेरी पेटीशन उठा के पढ़ लो, पहली पेटीशन उठा के पढ़ लो 15 अगस्त 2016 की, और उसके पहले भी मैंने पीपल्स बजट पर दिया 2015 में, उसको उठाकर पढ़ लो। विजय मानकर अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने देश की प्राइवेट सेक्टर को मजबूर कर दिया है कि वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में एक तरह का आरक्षण यानी अफर्मेटिव एक्शन लागू करे, और ये एपीआई के वजह से हुआ, मेरे पिटीशन के वजह से हुआ, इसको आपको ध्यान में लेने की जरूरत है। तो मैं बजट से आपके लिए पैसा ला रहा हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर में आपको अफर्मेटिव एक्शन मिलाकर दे रहा हूं, और अब आपको एक काम करना, क्या करना है, ये 1,000,00,000 करोड़ की जो संपत्ति हमारे ट्राइबल लैंड में है, तो भारत सरकार हो या प्राइवेट कंपनी हो, यदि उसके आगे उनको ये चीजें चाहिए तो हमको बाकी चीजों के साथ ग्राम सभा को ये रिजोल्यूशन पास करना होगा, रिजोल्यूशन में डालना होगा कि यदि ये तमाम चीजें जो हमारी लैंड फॉर लैंड सर्विस और पैसा और पेंशन और घर के अलावा, यदि आप हमें 20-25% का शेयर होल्डर बनाते हो तो ये जमीन हम आपको देंगे, अदरवाइज ये जमीन ग्राम सभा देने से इनकार करती है, अदरवाइज ये जमीन ग्राम सभा देने से इनकार करती है। आप ये रिजोल्यूशन पास करना चालू करो ग्राम सभा आदिवासियों की, और इन लोगों को वो कोशिश करने दो जमीन लेने की, और अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया इस चीज को देखेगी कि यदि आदिवासियों को शेयर होल्डर नहीं बनाया जाता तो फिर उस जगह कोई कंपनी और कोई प्रोजेक्ट भी खुलने की जरूरत नहीं है, उसका प्रॉफिट केवल त्रैवर्णिक लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, उसके प्रॉफिट का भी पहला हकदार जो है वो आदिवासी इस देश में। तो साथियों, ये काम यदि हमको करना है तो अंबेडकरिज्म के आधार पर अपनी मूवमेंट को बड़ा बनाना होगा, अंबेडकरिज्म के आधार पर अपनी मूवमेंट को बड़ा बनाना होगा, और जिले जिलों में हमको अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। मैं बार बार कहता हूं, मैंने जैसे आपको पूछा कि भाई डीएमएफ बना मालूम है क्या, नहीं, ट्राइबल सबप्लान का एससी एसटी सबप्लान का पैसा आया कहां खर्चा हुआ है मालूम है क्या, नहीं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनी को खर्चा करना है डेवलपमेंट के लिए पता है क्या, कुछ किया क्या, नहीं। कई लोग अभी आते साल 10 साल पहले हमने प्रोजेक्ट के ऊपर साइन किया, हमने पैसा भी ले लिया, जमीन गई, अभी कुछ कर सकते हैं क्या, मैंने कहा यार अब तक कुछ क्यों नहीं किया, बोले सर मालूम नहीं। ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि समाज को देखने वाला कोई रहा नहीं, समाज के ऑर्गेनाइजेशन कोई रहा नहीं समाज के तरफ देश के तरफ देखने वाले। और ये बात जो B1, B2, B3 है, जो एरियल और एंटीना पहनकर घूम रहे हैं, उनको ये अच्छी तरह से मालूम है कि जिलों जिलों में, ब्लॉक ब्लॉक में, गांव कस्बों में एससी एसटी को, ओबीसी माइनॉरिटीज को के अधिकारों को देखने वाला, इसकी डेवलपमेंट को देखने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लोग है नहीं जिनको ये बात समझती है। और इसलिए हमें बजट में पैसा तो दे देते लेकिन खर्चा किसी और चीज पर करते, हमको शेयर होल्डर तो नहीं बनाया, डीएमएफ में पैसा डाला लेकिन खुद के लिए खर्चा करेंगे, हमारे लिए खर्चा नहीं करेंगे, सीएनटी एक्ट को, एसपीटी एक्ट को अमेंड करने की कोशिश कर रहे। मैं समझता हूं कि सीएनटी एक्ट को गवर्नर ने वापस किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग, सीएनटी एक्ट पे साइन नहीं किया ना, जो अमेंडमेंट था गवर्नर ने अभी तक किया या नहीं किया, गवर्नर ने साइन नहीं किया अभी तक, क्यों साइन नहीं किया, उसमें हमारे ट्राइब लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत बड़ा जो है वो एजिटेशन किया। और जब मैं 15-16 अप्रैल को झांसी में था तब मुझे लोगों ने डिटेल में बताया, तो मैंने उसी दिन कहा हमारे लोगों से कि भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं वापस नागपुर जाऊंगा और नागपुर जाकर जो है जो मुझे करना है मैं करूंगा, क्योंकि मुझे सब मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स में क्या किया जाता है। और ये जो सीएनटी एक्ट पर साइन नहीं हुआ उसमें आपका जो बड़ा योगदान है एजुकेशन करने का, तो थोड़ा योगदान अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का भी है। मेरे एक आरटीआई पर, सिर्फ एक आरटीआई पर, उसकी आप डेट मैच कर लेंगे
कि गवर्नर ने कब वापस भेजा और मेरी आरटीआई का डेट मैच कर लेंगे। और आप ये पाएंगे कि मेरी आरटीआई के बाद जो मैंने गवर्नर को पूछा कि भाई ये सीएनटी एक्ट क्या संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है, क्या ये फिफ्थ शेड्यूल का वायलेशन करती है या नहीं करती है, क्या पेशा लॉ का वायलेशन करती है, एफआरए का वायलेशन करती है या नहीं करती है, क्या 107 आईएलओ कन्वेंशन का वायलेशन करती है या नहीं करती है, आप संवैधानिक अथॉरिटी है, आप इसका जवाब दीजिए। मैंने गवर्नर को सिंपल एक आरटीआई किया और हमारी गवर्नर जो थी उनको सद्बुद्धि आई और उन्होंने सीएनटी एक्ट पर साइन करने से इनकार किया, वापस जो है वो गवर्नमेंट को भेज दिया। तो यदि हम गवर्नेंस अफेयर्स को जानते हैं, यदि हम संविधान और मानव अधिकारों को जानते हैं, यदि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिले जिलों में है और पार्टी यदि है फाइट करने के लिए, तो ये काम आसानी से हो सकता है, अदरवाइज ये काम आसानी से नहीं हो सकता। तो इसलिए यदि हमको अपने जल जमीन जंगल को बचाना है तो संस्कृति और संविधान का आधार लेना होगा, ये काम अंबेडकरिज्म से करना होगा। संघ एम्बस और उसका जो विंग है, सबसे बड़ा अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, जो देश की सबसे इंटेलिजेंट पार्टी अभी है, और मैं बोल रहा हूं केवल इसलिए इंटेलिजेंट नहीं है, आज मोदी जी न्यू इंडिया न्यू इंडिया न्यू इंडिया कह रहे हैं। मैंने कहा यार 2007 से मैं न्यू इंडिया पढ़ा रहा हूं कि बाबा साहब ने न्यू इंडिया कहा, न्यू इंडिया कैसे बन सकता, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं सिस्टमेटिकली। मैंने डॉक्टर अंबेडकर प्लान लिखा 2012 में, डिक्लेयर किया कि देश को चलाने की नीति क्या होगी एपीआई की। लोग तो मैनिफेस्टो भी नहीं निकालते, घोषणा पत्र भी ठीक से नहीं निकालते। मैंने बड़ा प्लान लिखा है डॉक्टर अंबेडकर प्लान, इतना मोटा प्लान है, आज आपके पास है नहीं दिखाने के लिए। वो प्लान मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी पार्टी को चैलेंज कर रहा हूं कि आप बता दीजिए, अगर आपके पास इससे अच्छा बेस्ट प्लान है तो आप आइए मुझसे डिबेट कीजिए, ओपन स्पीच पर मीडिया के आगे डिबेट कीजिए, मैं डिबेट करने के लिए आपसे तैयार हूं। मैंने इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी लिखी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, उसमें एक चैप्टर लिखा न्यू इंडिया न्यू सोशल ऑर्डर। वो पार्लियामेंट के लोग आए, उन्होंने कहा सर नहीं, ये बाबा साहब का इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी है, पूरे भारत में गया है, यूरोप में गया, अमेरिका में गया, ऑस्ट्रेलिया में गया, जापान में गया है, तो भारत की संसद की लाइब्रेरी में भी होना चाहिए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो हमारे लोगों ने उन्हें डोनेट किया। जैसे पार्लियामेंट में ये इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी गई तो मोदी जी के रिसर्च करने वाले लोगों ने बता दिया, मोदी जी अगर बाबा साहब का नाम लोगे, न्यू इंडिया बोलोगे तो वोट मिलेगा। तो मोदी जी ने जो है वो न्यू इंडिया बोलना चालू किया। तो मैं मोदी जी से कह रहा हूं, अगर आप 19 का चुनाव लड़ना चाहते हैं न्यू इंडिया पर तो कोई हर्ज नहीं, एपीआई भी न्यू इंडिया पर चुनाव लड़ रही, क्योंकि न्यू इंडिया ये हमारा है, बाबा साहब अम्बेडकर का है। आप न्यू इंडिया पर चुनाव लड़ना चाहते हो कोई हर्ज नहीं, आप न्यू इंडिया पर चुनाव लड़ो, एपीआई भी न्यू इंडिया यूनाइटेड इंडिया पर चुनाव लड़ेगी, नया भारत प्रबुद्ध भारत पर चुनाव लड़ेगी। और मैं मोदी जी से ये चैलेंज करता हूं कि पूरे 2019 का इलेक्शन सिर्फ एक काम करना, टेलीविजन को ब्लॉक मत करना, टेलीविजन का पैसा लगा के टीआरपी मत खरीद लेना, आप 90% टीआरपी ले लेना, केवल 10% टीआरपी विजय मांगकर के लिए छोड़ देना, और 2019 में भारत की जनता को डिसाइड कर लेने दो कि नया भारत नरेंद्र मोदी बना सकती है, बीजेपी बना सकती है, या विजय मांगकर और अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया बना सकती है। 2019 का चुनाव इस बात को जो है वो घोषित कर लेगा। और तब तक के लिए मैं आपकी जो गवर्नमेंट है यहाँ की, बीजेपी की गवर्नमेंट है, रघुवर दास जी को कहना चाहता हूँ कि आप संविधान और मानव अधिकारों से अपनी सरकार को चलाएं, कृपा करके झारखंड के आदिवासियों की जल जमीन जंगल और खनिज संपदा को छीनने की कोशिश ना करें। यदि आप छीनने की कोशिश करेंगे, अगर संविधान और मानव अधिकारों का उल्लंघन आप करेंगे, तो मैं रांची में भी बोला था, अभी फिर मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको चैन की नींद सबसे झारखंड में सोने नहीं दूंगा। मैं रघुवर दास जी को कहना चाहता हूं, यदि आप आदिवासियों की मूल निवासियों की जल जमीन जंगल और खनिज संपदा को अगर आप सीएनटी एक्ट एसपीटी एक्ट या भूमि सुधार अधिनियम को लाकर इस तरह की चीजों पर लाकर यदि आप हमारी संपत्ति को छीनना चाहते, हमारी अगर संस्कृति को आप तहस तहस करना चाहते हैं,
यदि आप भारत के संविधान और मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो याद रखिए अब आपका वास्ता जीएमएम से नहीं है, आपका वास्ता देश की सबसे इंटेलिजेंट पार्टी से है और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया आपको चैन भी नहीं दिए, झारखंड में सोने नहीं दे। तो इसलिए आप लोग आज यहाँ पर आए इस बात को समझेंगे कि जो बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी धर्म और आदिवासी राज की जो बात की, तो हमें अम्बेडकर सरकार झारखंड में बनाना है, आदिवासी राज लाना है, हमें आदिवासी राज लाना है, हमें अम्बेडकर सरकार बनाना है, अम्बेडकर सरकार बनाना है, आदिवासी राज को लाना है। और ये काम अम्बेडकरिज्म से होगा, अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन से होगा। इसलिए आप जो है अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया में बड़े पैमाने पर शामिल होंगे और जब सरकार बनेगी तब बनेगी, जब इलेक्शन होगा तब होगा, लेकिन एपीआई जिले जिलों के अंदर में ये पांचवी अनुसूची पेशा लॉ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ह्यूमन राइट्स के ऊपर में, ये डीएमएफ के ऊपर, सीएसआर के ऊपर, ट्राइबल सब प्लान के ऊपर, जो हम पैरेलल गवर्नमेंट बना रहे देश में, देश के 650 जिलों में, चाहे हमारी सरकार बने या ना बने देश में, लेकिन हमारी समानांतर सरकार हम देश में बना रहे हैं ताकि हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के राइट्स का हम हनन नहीं होने देंगे। जब इलेक्शन होगा तब इलेक्शन होगा, जब सरकार बनेगी तब सरकार बनेगी, एक दिन के लिए भी आज से आगे ये अधिकारों का हनन हमें नहीं होने देना है। एपीआई को स्पेशली इस बात को जिले जिलों में ध्यान रखना है ताकि यहाँ के SC ST का राइट्स, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट, यहाँ झारखंड के OBC और माइनॉरिटीज का राइट्स एंड डेवलपमेंट, झारखंड की जनता का वेलफेयर जो है वो एपीआई जो है वो गारंटी कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिरसा मुंडा जी को सही नमन तब होगा जब हम आदिवासी धर्म और आदिवासी राज के आधार पर एक नया झारखंड बनाएंगे। हमने ऑलरेडी सेंसस में लिखा है कि हम हिंदू नहीं है, हम सरणा है, हमारा ट्राइबल रिलीजन है। ये 40 लाख के ऊपर लिखाने वाला पहला स्टेट ये झारखंड है। मैं समझता हूँ कि हर आदिवासी को जब 2021 का सेंसस होगा आपको ये लिखाना चाहिए कि हमारा धर्म ये आदिवासी धर्म है और ये काम करना इसलिए जरूरी है ताकि हम गैर आदिवासी ना बन सके। और इसी तरह आदिवासी धर्म, आदिवासी संस्कृति और आदिवासी राज जो बिरसा मुंडा जी ने आज से 125 साल पहले जो हमें संदेश दिया, वो अम्बेडकर सरकार बनाकर आदिवासी राज लाकर ही पूरा हो सकता है। इस काम को करने के लिए ट्राइबल्स और जो यहाँ के शेड्यूल कास्ट और OBC और माइनॉरिटी लोग हैं वो बड़े पैमाने पर आए और 2019 का जो चुनाव है वो झारखंड में और पूरे देश में हम बड़े पैमाने पर लड़ाए। पूरे देश में API लगभग 250 सीट लड़ाएगी पूरे देश में और 60 लाख के ऊपर वोटिंग लेकर देश की पहली 15 पार्टियों में हम 2019 में आ रहे हैं। उसी तरह झारखंड में आप 14 मेंबर पार्लियामेंट और 81 MLA पर अगर हम कंटेस्ट करते हैं सीरियसली तो सरकार बने ना बने वो बात की बात है, पर हमारे जल जमीन जंगल और खनिज संपदा को और हमारी सभ्यता और संस्कृति को कोई टच नहीं कर पाएगा। ये काम करना 2019 में हमें है और अम्बेडकर सरकार बनाना है, आदिवासी राज जो है वो लाना है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण काम है। आप लोग मेरी बात को समझकर झारखंड के महान जो हमारा समाज है, ये झारखंड ग्रेट स्टेट है, झारखंड के लोग ग्रेट हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले मानवतावाद किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रकृति को सबसे पहले समझा, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रकृति के विज्ञान को समझा, ये वो लोग हैं हमारे लोग जिन्होंने स्त्रियों को और पुरुषों को समानता दी, हम ट्राइबल वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले समाजवाद को लाया, हम ट्राइबल वो लोग हैं जिन्होंने गण पद्धति को सबसे पहले लाया। ये महान झारखंड की जो भूमि है, नागो असुरों की, ट्राइबल की जो भूमि है, उसको मैं नमन करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे झारखंड के लिए कुछ करने का अवसर देंगे। मैं देश भर के तमाम राज्यों के लिए और ट्राइबल्स के लिए पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा फाइट कर रहा हूँ, आप मुझे वो प्यार देंगे। आज जब मुझे आपने ट्राइबल कल्चर से जब मुझे रिसीव किया तो आज बॉलीवुड के पिक्चर का गाना भी उसके आगे फीका हो गया, बॉलीवुड का पिक्चर का गाना, हॉलीवुड का गाना भी फीका हो गया। जिस सादगी से, जिस प्यार से, जिस लव एंड अफेक्शन से जो ट्राइबल टीम ने आज यहाँ मुझे बैंड बजाकर रिसीव किया,
मैं धन्य हो गया कि ऐसा महान आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति जिसने पर्यावरणवाद, मानवतावाद दिया, समतावाद दिया, कल्याणवाद दिया, विज्ञानवाद दिया, बुद्धिवाद दिया, अब वो पूरे झारखंड का उद्धार करे, वो पूरे देश का उद्धार करे, ऐसी उम्मीद के साथ कि आप लोग ये काम करोगे। अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय बिरसा, जय प्रबुद्ध भारत, जय गोंडवाना नारायण।